Hello students, welcome to your own YouTube channel Studying with Ehsaan and I am Ehsaan Anwar again at your service with a new video. Students, जैसा कि thumbnail से आपको मालूम है कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन आप कह लीजिए डिफ्रेंसिएशन को देखने जा रहे हैं. आपका डिफ्रेंसिएशन सही होगा, आप अच्छे से समझे रहेंगे तभी आप इंटीग्रेशन बना पाएंगे और फिर जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हैं और उस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आप बना पाएंगे. और अगर आपको क्लास 12 के बाद कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठना है, अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने की सोच रहे हैं तो भी आपके लिए सारे क्लासेस, सिर्फ आज का क्लास नहीं, ये सारे क्लासेस जो इस सीरीज में आने वाले हैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इफेक्टिव और इजी वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा. तो डिफ्रेंसिएशन समझने के लिए सबसे पहले आपको कुछ फॉर्मूलाज, टूल्स एंड टेक्निक्स याद रखने होंगे. और वो क्या है तो आप देखिए कि सबसे पहले तो आप ये याद रखेंगे नंबर वन में कि डिफ्रेंसिएशन अगर आपको किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का आ जाता है, जैसे कि वो x टू द पावर n है ना, डिफ्रेंसिएशन ऑफ x टू द पावर n, तो ये आप किस फॉर्मूला पे ब्रेक करेंगे, n x टू द पावर n माइनस वन. ठीक है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ x टू द पावर n क्या हो जाएगा, n x टू द पावर n माइनस वन. ये टूल्स आप याद रखेंगे. सेकेंड नंबर जो आपको याद रखना है वो क्या है, वो ये है कि आपका d बाई डी एक्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ अगर साइन x आपको निकालना है, ठीक है, साइन x का डिफ्रेंसिएशन तो कुछ आप याद रखेंगे cos x. देखिए क्लास 11th में हम लोगों ने सीखा था कि कैसे फर्स्ट प्रिंसिपल से साइन x का डिफ्रेंसिएशन cos x आता है, लेकिन क्लास 12 में आपको फिर वो लॉन्ग डेरिवेशन की जरूरत नहीं है. आपको जहां कहीं भी जरूरत पड़ेगी डी बाई डी एक्स साइन एक्स यानी साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन आपका क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा. उसके बाद थर्ड नंबर में आप याद रखेंगे कि कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन आपका साइन एक्स नहीं होगा, माइनस साइन एक्स होगा, याद रखना है. ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि साइन एक्स का तो कॉस एक्स हो जाएगा लेकिन कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन जब आप निकालेंगे तो माइनस साइन एक्स होगा. उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट थिंग जो आपको याद रखना है कि वही डी बाई डी एक्स टैन एक्स, जी हाँ, टैन एक्स का डिफ्रेंसिएशन जब आप निकालेंगे तो टैन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, टैन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, जी हाँ, सेक स्क्वायर एक्स. ये भी आपको याद रखना है कि टैन एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है. उसी तरह अगर आपको कॉट एक्स के डिफ्रेंसिएशन की बात करनी है, कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन आप याद रखिए माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, जी हाँ, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा. ठीक है, तो आपने देखा कि एक्स टू द पावर एन का डिफ्रेंसिएशन क्या हो रहा है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या है कॉसेक्स, और कॉसेक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स. ठीक है, और फिर टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन आपका सेक स्क्वायर एक्स है और कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स. ये पांच हो गया, दो और आप याद रखें, मैं इधर साइड में लिख देता हूं. तो ये आप क्या याद रखेंगे कि जैसे आपने कॉट एक्स का तो देख लिया माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स है, लेकिन अगर कॉसेक एक्स का आपको निकालना है, ठीक है, कॉसेक एक्स का आपको निकालना है तो कॉसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स. ठीक है, मैं इसे थोड़ा और क्लियर लिख देता हूं, यहाँ पे थोड़ा जगह कम पड़ गई, तो डी वाई डी एक्स कॉस एक्स का आप क्या याद रखिएगा कि कॉसेक माइनस भी लगा देंगे, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स. ठीक है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये हो जाएगा. और एक लास्ट आप याद रखें कि अगर डी वाई डी एक्स आपको सेक एक्स का निकालना है, जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, और इंटीग्रेशन में ये और भी ज्यादा काम आएगा आपके. तो इंटीग्रेशन पहले तो हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन एज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन, तो उसमें ये आपके सारे टूल्स बहुत काम आ जाएंगे. डी बाई डी एक्स सेक एक्स जब आप निकालेंगे तो ये आपका होगा सेक एक्स इंटू टैन एक्स. ठीक है, सेक एक्स इंटू टैन एक्स. तो इतनी चीजें पहले आपको यही याद रखनी है. आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और ये अरेंज करके. तो ये सेवन फॉर्मूलाज आप कह रहे इसे कि ये आपको याद रखना, ये बेसिक है क्योंकि आज ये फर्स्ट क्लास है डिफ्रेंसिएशन का, तो इसलिए मैं आपको बहुत ही शुरुआत से बता रहा हूँ कि ये सात फॉर्मूलाज ऐसे फॉर्मूलाज आप एज ए टूल याद रखेंगे कि एक्स टू द पावर एन का डिफ्रेंसिएशन क्या हो रहा है, साइन एक्स कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो रहा है, क्योंकि अब ज्यादातर डिफ्रेंसिएशन जो आपके आएंगे वो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ही इन्वॉल्व होंगे.
तो ये सिक्स और ये सेवन चीजें आप याद रखें, सेवन टूल्स आप याद रखें, और उसके बाद फिर मैं आपको आगे बता देता हूँ कि कुछ फॉर्मूलाज भी इन्वॉल्व होंगे, वो भी आपको याद रखने होंगे। तो अब मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज बता देता हूँ, है ना। सम रूल्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन आप यहाँ पर हेडिंग बना सकते हैं, सम रूल्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन, सम रूल्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन। सम रूल्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन ये हो गया। तो पहला रूल आप याद रखेंगे कि अगर दो फंक्शन आपका दिया हुआ है और उसका एज अ सम दिया हुआ है, दो फंक्शन मान लेते हैं, पहला फंक्शन u है और दूसरा फंक्शन आपका v है, तो u प्लस v, आपको ये सम ऑफ टू फंक्शंस हैं और उसका डेरिवेशन डेरिवेटिव आपको निकालना है, इसे डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये एप्लीकेबल होगा। तो आप dy dx पहले फर्स्ट फंक्शन का निकाल लेंगे, dy dx ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, और फिर इसे आप सिंपली ऐड कर देंगे dy dx ऑफ द सेकेंड फंक्शन v, ठीक है। तो ये आप ऐसे फॉर्मूला याद रखेंगे कि dy dx u प्लस v क्या हो जाएगा, dy dx u प्लस dy dx v, ठीक है। और फिर सेकेंड नंबर में आपको यही अगर dy dx और डिफ्रेंसिएशन आपका क्या है, डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आपको क्या था, फर्स्ट में सम ऑफ टू फंक्शंस था और यहाँ पे डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस हैं, तो आप यहाँ पे भी सिंपली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे, dy dx ऑफ द फर्स्ट फंक्शन माइनस dy dx ऑफ द सेकेंड फंक्शन। तो ये आपका फर्स्ट और सेकेंड टू था, एक सम था और एक डिफरेंस पे था। अब देखिए तीसरा जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चन आपको ज्यादा आते हैं और डिफ्रेंसिएशन और में तो यूज होगा ही, इंटीग्रेशन में भी आपका यूज होगा। वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, डी वाई डी एक्स यूवी, यूवी बोलने का मतलब क्या हो गया, यू इंटू वी। तो डी वाई डी एक्स आपका यूवी है, तो ये इसमें आप याद रखेंगे पहले यू डी वी बाई डी एक्स, जी हाँ, पहला फंक्शन आप ले लेंगे मल्टीप्लाइड बाई दूसरे फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन प्लस फिर दूसरा फंक्शन v और फिर पहले फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, dy dx uv इक्वल टू क्या हो जाएगा, u डिफ्रेंसिएशन ऑफ v प्लस v डिफ्रेंसिएशन ऑफ u, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो dy dx uv इक्वल टू क्या हो जाएगा, u और v, u क्या है फर्स्ट फंक्शन एंड v इज द सेकेंड फंक्शन, और सारे पे मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको बातें पूरी तरह समझ में आ जाएंगी और भी अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। आई होप कि अभी भी बात समझ में आपको आ रही है, लेकिन और कुछ अगर प्रॉब्लम है तो भी आपको समझ में आ जाएगी। तो dy dx uv आपको क्या हो गया, u dv by dx plus v du by dx, यानी कि पहला फंक्शन डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ u, और फिर लास्ट देखिए आपको जो ये रूल्स आपको याद रखना है, नंबर फोर क्या है, यहाँ पे आपका क्या है डिफ्रेंसिएशन ऑफ, ये यहाँ पे क्या है कोशेंट ऑफ टू फंक्शन u by v, अगर आपका अपॉन फॉर्म में फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है तब इसे क्या करेंगे। तो देखिए इसमें पहले आपको दूसरा फंक्शन ले लेना है v, v और पहले फंक्शन का आपको क्या करना है du by dx, ठीक है, v इंटू यहाँ पे इंटू है और du by dx यानी कि पहला फंक्शन, अब यहाँ पर माइनस आपको लेना है और फिर क्या हो जाएगा u और फिर ये dv by dx, ठीक है। तो क्या किया, सेकेंड फंक्शन डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और ये पूरे में आपका अपॉन हो जाएगा और ये सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर v स्क्वायर। तो ये dy dx u अपॉन v क्या हो जाएगा, v du by dx माइनस u dv by dx अपॉन v स्क्वायर। तो ये चार फॉर्मूलाज हैं स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखने हैं, रूल्स आप कह सकते हैं इसको ना, रूल्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन। जब फंक्शंस a1 मोर देन वन फंक्शंस आपके आ जाएंगे तो उसको कैसे करेंगे, मैंने देखिए हेडिंग यहाँ पे बना रखा है, क्या है रूल्स, सम रूल्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन, इसे आप नोट कर लेंगे। और अगर आप पहली दफा डिफ्रेंसिएशन पढ़ रहे हैं तो आप जरूर नोट करें नोटबुक में, और जो लोग पहले पढ़ चुके हैं वो एडिक्लेंस से अपना ये रिवाइज कर रहे हैं और फिर वो अच्छे क्वेश्चंस भी जो मैं उनको करवाऊंगा तो उनके लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी बहुत फायदा होगा। तो ये आप देख लीजिए सम रूल्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन में चार रूल्स मैंने आपको बताया कि जब आपका दो फंक्शन सम के फॉर्म में गिवन है, जब डिफरेंस के फॉर्म में गिवन है, जब प्रोडक्ट के फॉर्म में गिवन है और जब फ्रैक्शन के फॉर्म में गिवन है यानी कि डिवीजन के फॉर्म में गिवन है, तो ये चारों फॉर्मूलाज आपके हैं। तो आप इसे जरूर नोट कर लें
और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप बेल आइकन भी प्रेस कर दें, दूसरों तक भी वीडियो को जरूर शेयर कर दें। तो चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं ताकि आपको बातें और भी अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये WRT शॉर्ट में इसका लिखा जाता है कैलकुलस के लैंग्वेज में। आप इसे क्या पढ़ेंगे, विद रिस्पेक्ट टू, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और आपका पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है साइन एक्स क्यूब, तो यहाँ पे आप देखिए कि ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है। कैसे फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो एक तो आपका ये साइन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपको दिख रहा है कि साइन एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब क्या है, इस साइन का एंगल है ना, ये आप समझ रहे हैं कि ये एक्स क्यूब क्या है, साइन का एंगल है। तो साइन एक्स क्यूब एक रेशियो आपका है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपका यहाँ पर है साइन। अब देखिए ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो ये एंगल है एक्स क्यूब, ये फिर से एक एल्जेब्रिक फंक्शन है एक्स टू दी पावर एन, है ना, और एन यहाँ पे क्या है, थ्री है। तो ये आपने देखा कि साइन एक्स क्यूब, तो साइन जैसे ही देख लिया आपने तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, एक बात तो आपको समझ में आ गई। दूसरा फिर इसका एंगल खुद एक, इस फंक्शन का एंगल खुद एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, इसलिए दो फंक्शन आ गया, ट्रिगोनोमेट्रिक और फिर एल्जेब्रिक, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो इसे आप कैसे करेंगे, तो आप देखिए सबसे आसान तरीका मैं आपको बता देता हूं कि dy dx साइन एक्स क्यूब ये आपको निकालना है, और भी ये बहुत थोड़ा लेंदी प्रोसेस भी हो सकता है इसका, लेकिन मैं आपको सबसे आसान और इजीएस्ट एंड इजी टू अंडरस्टैंड जो तरीका है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए dy dx, तो अभी मैंने जो आपको रूल बताया था कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या, सॉरी डिफ्रेंसिएशन, अभी डिफ्रेंसिएशन की क्लास चली, तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता था, कॉस एक्स, है ना, कॉस एक्स होता था। तो साइन एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स क्यूब, ठीक है, कॉस एक्स क्यूब हो गया। अब कुछ लोग यहीं पे से आंसर कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा, बट क्यों गलत हो जाएगा, देखिए ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, साइन एक्स क्यूब का तो आपने कर दिया कॉस एक्स क्यूब, लेकिन ये एक्स क्यूब का कौन करेगा, क्योंकि ये साइन का जो एंगल है वो खुद एक फंक्शन है, तो साइन एक्स क्यूब का कॉस एक्स क्यूब हो गया। अब एक्स क्यूब का भी आपको करना है, यहाँ पर डॉट देना है आपको, और एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको पहला फॉर्मूला क्या बताया था, एक्स टू दी पावर एन का जब आपको डिफ्रेंसिएशन करना होगा तो क्या निकलेगा, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, यही होगा ना। तो अब यहाँ पे देखिए अगर dy dx आपका एक्स क्यूब है, इसी एक्स क्यूब का आपको करना है, तो एन के जगह पर क्या आ गया, थ्री आ गया, तो ये थ्री एक्स टू दी पावर थ्री माइनस वन टू हो गया ना, थ्री एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर से, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये आपका रफ है, इसे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। तो साइन एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन आपको निकालना था, यानी कि डीवाई डी एक्स साइन एक्स क्यूब की वैल्यू निकाल दी थी, साइन एक्स क्यूब का कॉस एक्स क्यूब हो गया, लेकिन एक्स क्यूब फिर से एक फंक्शन है, इसलिए एक्स क्यूब का हो गया थ्री एक्स स्क्वायर। तो अब ये थ्री एक्स स्क्वायर क्योंकि इस तरह मल्टीप्लाई होना है, इसलिए थ्री एक्स स्क्वायर को पहले ही लिख लें आप, थ्री एक्स स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब, और ये आपका हो गया आंसर, ठीक है, बस समझ में आई। अब आप लोग क्या करें, एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, अब वो आप बना के दिखाएं खुद। तो नंबर टू आपका क्या है, कॉस एक्स कॉस क्यूब एक्स, चलिए कॉस क्यूब एक्स, और ये आप नहीं समझिएगा कि कॉस क्यूब एक्स और कॉस एक्स क्यूब एक ही चीज है, नहीं। तो चलिए मैं आपको दोनों क्वेश्चन दे देता हूं, कॉस क्यूब एक्स और एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप मान लीजिए कि कॉस एक्स क्यूब, ठीक है, आप पहले ये दो क्वेश्चन आपको बनाने हैं, एक आपका कॉस क्यूब एक्स है और एक है कॉस एक्स क्यूब, दोनों अलग अलग है। तो कॉस क्यूब एक्स का आप कैसे बनाएंगे, तो कॉस क्यूब एक्स का देखिए आपका क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स का होल क्यूब, ठीक है, कॉस एक्स का होल क्यूब, और dy dx आपको निकालना है, dy dx कॉस एक्स का होल क्यूब, यही ना निकालना है आपको, बहुत ध्यान से समझिए आप। तो यहां भी आपका क्या है, कॉस एक्स का होल क्यूब, इसका डिफ्रेंसिएशन आपको निकालना है। तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं थोड़ा सा राइट हाफ ऑफ द बोर्ड जो है मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ ताकि ये क्वेश्चन मैं आपको अच्छी तरह समझ पाऊँ, और फिर कॉस एक्स क्यूब उसके बाद फिर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं तो ये इरेज हो गया आपका। तो ये कॉस क्यूब एक्स आपने देखा, कॉस एक्स का होल क्यूब लिख सकते हैं, dy dx कॉस एक्स होल क्यूब हमें निकालना है। तो अब ये आप पहले देखिए कि मैं इधर थोड़ा लिख लेता हूँ आपको समझाने के लिए, कि ये देखिए आपको क्या आ गया है, dy dx कॉस एक्स, कॉस एक्स का होल क्यूब आपका, यही ना आ गया है, कॉस एक्स का होल क्यूब।
तो अब ये देखिए आपकी डी वाई डी एक्स और फंक्शन पे पावर एन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वही पहला रूल, जो पहला फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, एक्स टू दी पावर एन। अभी से अगर आप पूरा एक्स मान लेते हैं तो एक्स टू दी पावर एन, तो क्या हो जाएगा एन, और फिर ये पूरा x हो गया n x टू दी पावर n माइनस वन, यानी कि 3 माइनस वन, ये हो गया 2। बस समझ में आई? अब कुछ लोग यही आंसर लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं आपको फिर देखिए मल्टीप्लाई होगा। अभी आपने ये पूरा x, इसे पूरा आपने x मान लिया, cos x को पूरा x मान लिया, और x टू दी पावर n आपने ब्रेक कर दिया, ये आंसर आ गया। लेकिन फिर ये अंदर जो पूरा x है, जिसे आपने पूरा x कंसीडर किया है, वो खुद एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और cos x का, cos x और इसका इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन आपको करना होगा। आज मैंने इंटीग्रेशन की क्लास ली, इसलिए बार बार उसके इंटीग्रेशन इस जबान पे आ जाता है। खैर एनीवेज, तो cos x का आपका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन x, यही ना होता है, अभी मैंने आपको रूल याद रखना होगा, माइनस साइन x। ठीक है, बात समझ में आ गई कि आपने इसे पूरा x मान लिया, x टू दी पावर n का हो गया n x टू दी पावर n माइनस वन डॉट, और फिर ये जो x माना है ये खुद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये cos x का हो गया माइनस साइन x, और फिर इस सबको मल्टीप्लाई करना है आपको, तो माइनस साइन x देखिए पहले आ गया माइनस, ये हो गया 3, और पहले आप साइन x ही लिख लें, माइनस 3 साइन x, और cos x का होल स्क्वायर लिखिए या cos स्क्वायर x लिखिए, यही आपका आंसर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टूडेंट है और आप सबको ये जानना पड़ेगा, माइनस 3 साइन x cos स्क्वायर x। ठीक है, बात समझ में आ रही है, कोई मुश्किल नहीं हो रहा है, कोई मुश्किल नहीं है, ये आपको बनाना है। और फिर वैसे ही एक क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया कि cos क्यूब x और cos x क्यूब, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, और ये आपका cos क्यूब x है ना, cos क्यूब x तो अभी मैंने आपको बता ही दिया, अब आप बनाना है cos x क्यूब, ये आप बनाइएगा जिस तरह, देखिए मैंने आपको जिस तरह sin x क्यूब बताया है, वैसे ही आप cos x क्यूब बनाएंगे, और एक और आप बना के दिखाइएगा sin क्यूब x, इसका आप मुझे बना के दिखाइएगा। तो चलिए ये दोनों क्वेश्चन आप अपना होमवर्क समझ लीजिए, और इस दो क्वेश्चन को आप बनाइए, और इस दोनों का क्या होता है, और सारा फॉर्मूलाज याद आप कर लीजिए, जो फॉर्मूलाज मैंने 7 फॉर्मूलाज आपको बताए, और फिर 4 रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन बताए, ये सबको आप अपनी नोटबुक में लिखिए, एक बार याद कीजिए, फिर बिना देखे उसे लिखिए, और लिखने के बाद फिर मिलाइए कि आपने सही लिखा या नहीं लिखा, और फिर ये काम करने के बाद, ये दोनों काम करने के बाद, फिर आपको ये दो क्वेश्चन बनाने हैं, और क्वेश्चन बनाने के बाद आपको क्या आंसर आया आप हमें कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप नंबर जो आपका है आपके पास उस पर आप शेयर कर दें। और फिर मिलेंगे नए क्लासेस में और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ, तब तक आप ये रूल्स जरूरी याद कर लें, रूल्स एंड फॉर्मूलाज। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और दूसरों तक वीडियो जरूर शेयर कर दें। अपना ख्याल रखें, खूब मेहनत करते रहें, बहुत बहुत शुक्रिया।